फल जानते हैं वृषभ राशि का। वृषभ राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा, एक नजर डालिए वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये साल उम्मीदों से भरपूर रहेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए आगे जाकर के प्रोग्रेस के काफ़ी चांसेस बनेंगे। ज़रूरत है हार्डवर्क की, डेडिकेशन की। साथ ही में आपको ज़रूरत है अपने कलीग और अपने बॉस के साथ बॉन्डिंग बनाने की। यदि आप प्रॉपर बॉन्डिंग के साथ चलते हैं, हार्डवर्क करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपनी स्किल्स का यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली इस साल अप्रैल के बाद आप प्रमोशन पाएंगे। आप चाहें तो नई कंपनी में यदि आप एंटर करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नई कंपनी में आपको नए अवसर मिलेंगे, साथ ही आपको नई कंपनी में सैलरी का भी एप्रिसिएशन होने की संभावना रहेगी। जो लोग पिछले साल अपने टास्क को अचीव नहीं कर पाए, इस साल वो लोग अपने टास्क को अचीव करेंगे। बिजनेसमैन के लिए भी ये साल शानदार रहेगा। वो चाहें तो अपने बिजनेस में एक्सपेंशन कर सकते हैं, वो चाहें तो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, वो चाहें तो नई यूनिट्स, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैं वो लोग अपनी नई यूनिट्स खोल सकते हैं, नई मशीनरी और नए काम के साथ आप जुड़ सकते हैं और वो नया काम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जो प्रोफेशनल्स हायर एजुकेशन पे जाना चाहते हैं उनके लिए ये साल उम्मीदों भरा रहेगा। वो चाहेंगे तो उनके जॉब के साथ साथ साइमल्टेनियसली वो हायर एजुकेशन वाले अपने सपने को भी साकार कर पाएंगे। यह साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। शुरुआत में बृहस्पति शनि के साथ नवम भाव में रहेंगे, जो आपके भाग्य में चार चांद लगा देंगे। जो स्टूडेंट्स पिछले वर्ष किसी भी कारण से यदि एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाए, इस साल अगर वो मेहनत करते हैं तो आपको आपके परिश्रम का पूरा पूरा फल मिलेगा। बस ज़रूरत है तो आपको हार्डवर्किंग की, पूरे डेडिकेशन की। स्टूडेंट्स मन लगा करके पढ़ाई करें, उनको अपना टास्क ज़रूर मिलेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये साल फ़ायदेमंद होगा। वो लोग चाहें थोड़ा सा मेहनत करें तो डेफिनेटली इस साल उनको अपना गोल मिलेगा। जो स्टूडेंट फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी इस साल सभी रास्ते खुले हुए हैं। वो चाहें तो फॉरेन एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस ईयर उनको अपनी मनचाही मंजिल मिल जाएगी। जो अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं उनके लिए भी ये साल बहुत बेहतरीन साबित होगा। विवाह के बंधन में बनेंगे, आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनको खास ध्यान रखना होगा। वो चाहें कि चीटिंग करें तो उनके लिए नुकसानकारी साबित हो सकता है, इसलिए अपने रिलेशनशिप पर ही फोकस करें। इधर उधर ध्यान देने में आपकी रिलेशनशिप छूट सकती है, सावधानी बना करके रखें, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करें। जो लोग पहले शादी के बंधन में बन चुके हैं और संतान सुख से वंचित हैं उन लोगों के लिए ये साल बहुत उम्मीदों भरा रहेगा। उनके घर में भी नन्ही किलकारियाँ गुजेगी, नई खुशियों का आगमन होगा, घर में नए मेहमान के आने की तैयारी बनेगी। कुल मिलाकर के ये साल वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही आनंद से भरपूर रहेगा। हाँ, पत्नी से आप मधुर संबंध बना करके रखिए। इस वर्ष केतु आपके राशि से सप्तम भाव में रहेगा, जो कि पत्नी के स्वास्थ्य के लाभ को भी नुकसान पहुंचा सकता है, साथ में पत्नी और आपके बीच में मतभेद बना सकता है। आप यदि रिलेशनशिप में हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से भी झगड़ा कर सकते हैं, वहाँ भी मतभेद की स्थिति बन सकती है। थोड़ा सा ध्यान दें, अपने रिलेशनशिप को सुधारें, गुस्सा कम करें, प्यार से रहें, आपका जीवन आनंद से गुजरेगा। साल कुल मिलाकर के खर्च सोच समझ करके करिएगा। नए इन्वेस्टमेंट पर यदि आप जाना चाहते हैं बेशक आप अप्रैल के बाद जाइए, आपको फ़ायदा होगा। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये साल आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अप्रैल के बाद इन्वेस्टमेंट करिए, ज़रा सा सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करिए। यदि आप पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं थोड़ी सी सावधानी से काम करिए।